स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का जो ये व्लॉग है ये है बेसिकली एक फोर्ट पर, और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रभु श्री हनुमान जी का जन्मस्थली, जिसे हम लोग देखेंगे। तो भारत में एक्चुअल कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड में अंजन ग्राम, जो रांची से पास में है, वहाँ पर हुआ। कुछ लोग मानते हैं हम्पी कर्नाटक, वहाँ पर हुआ। अगर हम्पी का व्लॉग आपने मेरा देखा नहीं है तो हम्पी का लिंक आपको आई बटन पे ऊपर आ रहा है। और तीसरा जो हनुमान जी का जन्मस्थली है, वो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र में नासिक के पास अंजनगिरी जो पर्वत है वहीं पर है। तो आज हम लोग इस स्पॉट पे हैं, ये है अंजनगिरी पर्वत, और वहाँ पर फोर्ट भी है, अंजनगिरी फोर्ट। तो चलिए इस व्लॉग को शुरुआत करते हैं। अंजनगिरी फोर्ट पर जाने के लिए आपको अंजनगिरी कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से गुजरना पड़ता है। इस फोर्ट पर जाने के लिए महाराष्ट्र वन विभाग से शुल्क लिया जाता है। उसके चार्जेस अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। टिकट घर से 100 या 200 मीटर ऊपर पहाड़ चढ़ने के बाद बारिश के मौसम में अंजनगिरी गांव का हरे रंग की चादर ओढ़े हुए दृश्य आपके सामने दिखाई देता है। दोस्तों, हम लोग अलीबाग से निकले तो दो थे, पनवेल में संदेश को हम लोग ज्वाइन हुए, मतलब संदेश हमको ज्वाइन हुआ या फिर हम लोग संदेश को ज्वाइन हुए। और अलीबाग से लगभग 8:30 बजे निकले थे और सुबह 4:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बीच में रुकना था हमको, पर हम लोगों ने कहीं हॉल्ट नहीं किया, लेकिन रास्ते में ही प्लान थोड़ा चेंज हुआ। पहले स्पॉट पर पहुँचेंगे, मतलब जो ये पर्वत है उसके तलहटी तक, और उसके बाद रहने का देखेंगे या फिर गाड़ी में सो जाएंगे। आपको बता रहा हूँ, बहुत बारिश थी सुबह से, यहाँ पर अभी रुकी है। अंजनगिरी गांव के पास किले पर जाने के लिए जो एंट्री गेट बना है, वहाँ से किले पर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर पर है। वहाँ तक गाड़ी जाती है, पर बारिश के कारण रास्ता खराब था और हमें आगे का लंबा सफर भी तय करना था, इसलिए हमने हमारी कार ऊपर ले जाना उचित नहीं समझा और हमने कार अंजनगिरी गांव में ही पार्क कर दी। यही वो जगह है जहां आप आपकी कार पार्क करके ट्रेक को शुरुआत कर सकते हैं। ट्रेक की शुरुआत में आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा, वहां आपके टिकट्स और कैमरा चेक किए जाएंगे। यहां आपको मोबाइल कैमरे के अलावा और कोई कैमरा ऊपर ले जाने की परमिशन नहीं है। यही से आपके ट्रेक की शुरुआत होती है। शुरुआत में आपको स्टेप्स मिलेंगी, पर कहीं कहीं जगह स्टेप्स बहुत खराब हुई है। 10 मिनट चढ़ाई करने के बाद सामने का नजारा कुछ ऐसा था। पहाड़ के एक कोने से हम लोग आगे बढ़ रहे थे और आसमान से गिरने वाले वाटरफॉल हमारे सामने ही दिखाई दे रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। बारिश के कारण कोहरा काफी ज्यादा था। किले पर जाते वक्त हमें ये एरिया काफी अच्छा लगा, क्योंकि बारिश का पानी किले के ऊपरी हिस्से से स्टेप से होते हुए नीचे की ओर आ रहा था, और ये सीन बहुत कम जगह देखने मिलता है, जैसे आर्टिफिशियल वाटरफॉल तैयार किया गया हो, ऐसा महसूस हो रहा था। 19 स्टेप से आगे बढ़ते वक्त पहाड़ में एक जैन धर्मीय गुफा है, ये गुफा भगवान पार्श्वनाथ की गुफा है, ऐसा लिखा था। गुफा किसी कारणवश बंद कर दी गई है। खड़ा पहाड़ चढ़ने के बाद हम किले के पहले पड़ाव पर थे।
और ऊपर आने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ ने हरे रंग की चादर ओढ़ी हुई हो। ऊपर आते आते हवा काफी तेज और मौसम काफी खराब हो गया था। तेज हवा के कारण हमें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। वही सामने माता अंजनी का मंदिर था और यहाँ पर अंजनी माता ध्यान मंदिर का बोर्ड दिखाई पड़ा। मंदिर के अंदर माता अंजनी की मूर्ति है। मंदिर आकार में काफी छोटा है, पर पत्थर की बनावट के कारण मंदिर की दीवारें काफी मजबूत हैं। मैं इस वीडियो में यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हवा काफी तेज है और हमें अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रही है। अंजनी माता ध्यान मंदिर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर इंद्रकुंड झील है। मौसम खराब होने के कारण झील साफ दिखाई नहीं दे रही थी, पर ऐसा कहा जाता है हनुमान जी ने जब सूर्यदेव को फल समझकर खाने के लिए उड़ान भरी थी, तब इसी जगह पैर को दबाकर उन्होंने छलांग लगाई और उड़ान भरी थी। जहां पैर को दबाया वहां गड्ढे का निर्माण हुआ और हनुमान जी के उसी पद चिन्ह से यहाँ वो झील तैयार हुई है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो झील का आकार बिल्कुल पैर के पंजे की तरह है। जल्दी जल्दी में हमने ये जगह मिस कर दी। ये जगह बिल्कुल इंद्रकुंड के बाजू से एक रास्ता बाई तरफ से आगे बढ़कर इस गुफा की तरफ आता है। यह हिंगलाजा देवी की गुफा थी। कहानी ऐसी बताई जाती है सीता जी और अंजनी माता भी यहाँ आई थी। हिंगलाजा देवी आदिशक्ति दुर्गा या पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। गुफा में 2 कक्ष है। बाहरी कक्ष में धनुर्धारी प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की प्रतिमा देखने मिलती है। ये साल का सबसे मुश्किल ट्रैक है। यहाँ पर एक्शन कैमरा अलाउड नहीं है, सिर्फ मोबाइल से शूटिंग कर सकते हैं और मैंने गिम्बल भी नहीं लाया है, तो प्रॉब्लम यह हो रहा है कि हाथ में मोबाइल या फिर एक्शन कैमरा जो अभी मैं पकड़े हुए हूँ उससे शूट हो रहा है। शायद आवाज़ भी ना आए आपको। इस किले की खासियत यह है कि ये पहले हनुमान जी का जन्मस्थली है और उसके बाद ये फोर्ट भी रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पास ये रहा है। तो ऐसी 2 महान हस्तियाँ, एक भगवान और एक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनको महाराष्ट्र में भगवान से भी ज़्यादा पूछते हैं, तो इन दोनों का कनेक्शन इस फोर्ट से है। इसलिए ये फोर्ट बहुत ही स्पेशल है, मोस्टली मेरे लिए, हमारे टीम के लिए। स्वर्ग की अनुभूति। इंद्रकुंड झील से आगे बढ़ने के बाद किले की दूसरी और आखिरी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। किले का ये हिस्सा काफी थका देता है और इन्हीं स्टेप से एक रास्ता आगे बढ़ता है हनुमान जी की जन्मस्थली की ओर। यहाँ पर काफी बड़े अक्षरों में हनुमान जन्मस्थान ऐसा लिखा गया है और दिशा दर्शक चिन्ह भी बनाया गया है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हनुमान जी की जन्मस्थली है। ऐसा कहा जाता है यही वो जगह है, यानी गुफा है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा के अंदर झुककर जाना पड़ता है। गुफा के अंदर माता अंजनी की मूर्ति बनाई गई है। गुफा देखने के बाद हम आगे बढ़े और लगभग पहाड़ का दूसरा कठिन चढ़ाई वाला हिस्सा हमने पार कर दिया था। आगे बढ़ते वक्त
हमने रास्ते में दोनों बाजू पर पत्थर खड़े किए हुए देखे, यानी पत्थर खड़े करने का मुख्य प्रयोजन ये होगा कोई यात्री रास्ता ना भटके। मुश्किल चढ़ाई चढ़ के लगभग 20 मिनट के सफर के बाद हम मुख्य मंदिर के पास थे। मंदिर परिसर में काफी छोटे मोटे पत्थर है जिन्हें सिंदूर लगाया गया है। यहाँ आने के बाद हमारे चेहरे पर सुकून था, आखिरकार हम किले के मुख्य हिस्से पर थे। इस मंदिर में माता अंजनी बाल हनुमान को गोदी में लिए बैठी हुई है, ऐसी मूर्ति है। और ऐसा कहा जाता है दुनिया में ऐसी दूसरी मूर्ति कहीं नहीं है जहां माता अंजनी ने हनुमान जी को गोद में लिया हो। ये मंदिर काफी छोटा है पर दीवारें काफी मजबूत है। मंदिर के पीछे वाले हिस्से में शिवलिंग दिखाई देते हैं। मंदिर में दर्शन लेकर लगभग 10 घंटे का सफर और 1.5 घंटे की ट्रेक के बाद बहुत भूख लगी थी और मंदिर के बाजू में जुग्गी में बनाई मैगी ने हमारी भूख मिटा दी। लगभग 8-9 घंटे जर्नी के बाद और 1.5 घंटे के ट्रेक के बाद हम लोग हैं ऊपर हनुमान जन्मस्थली पर। वैसे मैंने व्लॉग की शुरुआत में ही बताया, झारखंड में रांची के पास कुछ ही दूर अंजन ग्राम एक गांव है, वहां हनुमान जी का जन्म हुआ है ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम्पी में हुआ है और कुछ लोग कहते हैं नासिक में, ये अंजनगिरी पर्वत है उस पर हुआ है। तो हमको इस विवाद में नहीं पड़ना है, बस मुझे एक ख्वाहिश है कि ये जो स्पॉट्स है, मतलब ये जन्मस्थली है तीनों भी, वो देखनी है। तो उसमें से हम्पी और ये जो अंजनगिरी पर्वत है वो हमने देखा है, और एक बचा है झारखंड में रांची में अंजन ग्राम, वो भी जल्दी देखेंगे आपके साथ, वो भी शेयर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था अकरा मारुति वाला ब्लॉग, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, वो ब्लॉग कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि मराठी में बनाइए, इसलिए मैं वो ब्लॉग मराठी में बनाया था और अच्छा रिस्पांस मिला। अगर आपने नहीं देखा है और मराठी आपको समझ में आती है तो आप मेरा ब्लॉग का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है। तो दोस्तों ये जो जर्नी है ये हमारी कंटिन्यू रहेगी। अभी यहाँ से नीचे उतरने के बाद हम लोग जा रहे हैं हरिश्चंद्रगढ़ के लिए नगर में, अहमदनगर में। तो शाम का वो ट्रैक है हमारा, रात में हम लोग वहां पर हॉल्ट करने वाले हैं। ये जो मेरा आज का ब्लॉग है और ये प्लेस है, ये आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कीजिए, और ऑफ कोर्स मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।